सीरियस क्राइम देन मर्डर, ये कहना है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लास्ट थर्सडे 3 फरवरी 2022 अकॉर्डिंग टू लॉ ट्रेंड, इसमें एक आर्टिकल आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसने भी एक्सेप्ट करी है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज मोर सीरियस क्राइम देन मर्डर। देश की इतनी बड़ी अदालत जो कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही सीरियस मैटर है, सीरियस क्राइम है, जो कि मर्डर से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से देश की जो तरक्की है वो रुक जाती है और देश जो है जो एक सही पटरी पे चल रहा है वो डिरेल हो जाता है। तो इस तरीके से कहना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कि मनी लॉन्ड्रिंग इज सीरियस क्राइम देन मर्डर। किस्सा कुछ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक कत्ल की पिटीशन की सुनवाई हो रही थी और उसमें कोर्ट ऑफ लॉ ने बताया है कि कांग्रेस लीडर कार्ती चिदंबरम एंड फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, द कोर्ट स्टेटेड दैट सच क्राइम अंडरमाइंस द कंट्रीज इंटेग्रिटी सालमियत एंड सोवरेनिटी खुद मुख्तारी विच इज वाई द एक्ट वॉज इनेक्टेड। किस वजह से कानून को नाफिज किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज मोर सीरियस क्राइम देन मर्डर। बेंच ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ए एम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और सी टी रवि कुमार, उन्होंने ये नोटेड किया कि वेन इट वॉज पॉइंटेड आउट डेट द प्रोसीजर स्टिपुलेटेड इन द एक्ट इज वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसमें यह बताया गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ये जो है प्रोसीजर को स्टिपुलेटेड करती है, वायोलेशन करती है, किसका वायोलेशन करती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। आगे बताया गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग इज इम्प्लॉयड नॉट जस्ट द ड्रग ट्रैफिकिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है इससे ना सिर्फ ड्रग्स की तस्करी होती है बट ऑल्सो द टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो ये पैसा जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग का ये ड्रग्स की तस्करी में यूज होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज होता है। और ये भी बता रहे कि सच एक्ट जेपर्डाइज द कंट्रीज इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि इसकी वजह से जो मुल्क है वो खतरे में आ जाता है, उसकी खुद मुख्तारी उसकी सालमियत खतरे में आ जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज मोर सीरियस क्राइम देन मर्डर। हम बिंग नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिस, ये तीनों बेंच ऑफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करेंगे कि जो उन्होंने कहे लास्ट थर्सडे, जैसा उन्होंने कहे कि मनी लॉन्ड्रिंग इज मोर सीरियस क्राइम देन मर्डर। तो मर्डर से क्या होता है कि एक आदमी की जान जाएंगी या एक खानदान की जान जाएंगी या दो चार आदमी की जान जाएंगी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो पैसे का तबादला होता है, जो बहुत सारी बैंक्स के साथ बहुत सारी एजेंसीज का जो चीटिंग और फ्रॉड होता है, तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत काफी लंबा चौड़ा होता है। ईडी के तहत होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के तहत होता है, बाजों का सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत होता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और इसमें काफी टाइम लगता है जब तक अक्यूज पर्सन किसी ना किसी तरीके से बेल लेके बाहर आ जाते हैं या बच जाते हैं, जो भी होता है लंबा प्रोसीजर होता है। तो यही जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिस ने कहे ये बहुत सही कहे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से देश की तरक्की रुकती है, स्टॉप होती है, हॉल्ट होती है और देश जो है एक तरक्की की राह से भटक जाता है, पटरी से उतर जाता है। और ये पैसा किस तरीके से टेररिज्म में यूज होता है और ड्रग्स पेडलिंग में यूज होता है, ट्रैफिकिंग में यूज होता है। तो हम भी चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा कानून है और इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।